वाली हैं जी। हरीम शाह आ गई हैं, हरीम शाह को मैं बुला रहा हूँ अभी। हरीम शाह जो है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो इसको दे दिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कमरे में आ गए? हाँ एक्चुअली बहुत शोर है, घर पे हूँ ना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, घर तो बड़ा जबरदस्त बना है आपका। हाँ जी जबरदस्त बंदोबस्त है। अच्छा ये मुझे बताया, अभी आधे लोग कह रहे थे हरीम शाह ये बोल रही है, मैंने कहा पंजाबी आती नहीं है। क्या बोला मैंने? आपने नहीं, वो एक लड़की थी पंजाबी में अभी आई हुई थी और वो लगी हुई थी, कह बहुत बड़ी देर से कर रही थी ट्वीट के मुझसे बात करें मुझसे बात करें। मैंने बात की तो उसके बाद वो बड़ी गंदी गंदी बातें कर रही थी। मैंने कहा हरीम ने तो कभी गंदी बात की नहीं आज तक। अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता है मैं किसी में इस तरह की गंदी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं करती, सुनना तो करना तो वो दूर की बात है। अच्छा आपको बहुत लोग जो है कहते हैं कि सुंदर खटक से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। खैर शक्लें बनाने वाली जात तो अल्लाह तबारक व तआला की है, किसी की शक्ल पे कुछ कमेंट नहीं पास करना चाहिए। नहीं नहीं आपके फिगर की भी बात है। हाय आप ज्यादा प्यारे हो वकार। थैंक यू सो मच जी। अच्छा ये मुझे बताएं सुंदर खटक से अब खत्म हो गई आपकी फुल सुन है, फड्डा हो गया? नहीं फड्डा बता दो। फड्डा मैं लड़ाई किसी से नहीं करती, लेकिन अब वो मेरी फ्रेंड नहीं है, पहले भी फ्रेंड तो नहीं थी, आपको पता है सारी बात का। नहीं आप बताएं ना, लोगों को तो बताएं, कुछ लोग समझते हैं पार्ट में। पहले भी मेरी वो फ्रेंड नहीं थी, मैं उनको सपोर्ट करती थी और इसको सब पता है, और मेरी फैमिली ने कहा है कि अगर अब आपने उनके साथ रखा तो फिर ये समझे, मतलब मेरे फैमिली को वो पसंद नहीं थी, तो मेरे बाबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मतलब मुझे तुम्हारा इसके साथ घूमना फिरना नहीं पसंद, तो मेरे लिए मेरे बाबा की बात ज़्यादा अहमियत रखती है। फिर मैंने अपने बाबा की बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसे बोल दिया सॉरी मेरी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, अब हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने उससे बल्कि नाराज़ तो नहीं हूँ लेकिन अब बात नहीं करूँगी। अच्छा ये नाराज, तो पहले आपकी दोस्ती कैसे हुई थी और कहाँ मिले थे आप लोग? दोस्ती मेरी उनसे ऐसे दोस्ती नहीं हुई थी, बीगो पे वो लाइव आया करती होती थी, उसने मुझे बीगो पे मैं ब्रॉड पे आई थी, उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, फिर उसने मुझे कहा था कि मुझे शोबिज़ का बहुत शौक है मैं, और मैं ऐसे सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहती हूँ और ये वो अपना, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी। तो आप मेरी हेल्प करो, तो उसे मैंने कहा ओके, तो उसे मैं हेल्प आउट करती थी हर बात में। जी जी। और जैसे हम लोग कराची आए, मैं आपके शो में आई, मैं उसको लेके आई, इसी तरह डिफरेंट चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू वगैरह करते थे, कुछ मुझे तो खुद इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और उसको शौक था इंटरव्यू देने का, तो मैं फिर साथ में उनको कहती थी कि प्लीज इसको शौक है तो इसका इंटरव्यू वगैरह कर लिया। अच्छा तो बात खराब क्यों हुई जी? बात खराब क्यों हुई आपकी? मैं घर पे हूँ। नहीं नहीं बात आपकी उससे क्यों खराब हो गई? नहीं खिलाफ नहीं हूँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कोई ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने मेरे बाबा ने कहा है कि आप उससे दूर हो जाओ। अच्छा उससे दूर हो जाओ ये बोला है? जी। अच्छा ये बताएं जिस तरह से बताएं, जब बाबा जी को रोने वाली वीडियो आई थी तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था, तो आपको कैसा फील हुआ था जब आपने वो वीडियो देखी थी? वीडियो क्यों बनाई जिस तरह आपने, तो उन्हें बता के सब कुछ? नहीं मेरी फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन नहीं थी, मेरी फैमिली बहुत रिजिड है और मेरी फैमिली इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मतलब शुरू से ही, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रायल वगैरह जब मेरा स्टार्ट हुआ तो ये, तो फिर मेरे बाबा ने, मैं तो तब पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में नहीं थी जी। अच्छा तो ये जो सारा सिलसिला अभी जिंदगी में आगे क्या करने लगी हो तुम, ये तो बताओ। जी जी जिंदगी में आगे क्या करने लगी हो तुम लड़की? हेलो मैंने कहा जिंदगी में आगे क्या करने लगी हो तुम, आवाज आ रही है? आवाज मुझे नहीं आ रही। अब आ रही है, अब देखो तुम्हारे से कोई बटन दब गया है। आवाज आ रही है? हेलो 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 आवाज आ रही है, तुमने म्यूट किया भाई। अब आ रही है? हेलो चलो आवाज ही कर दो जी। ठीक है इसी तरह हम बहुत सारे लोगों को अभी हम लेते हैं लाइन पे, और इस तरह जितने लोग भी हैं, अभी आपने सुना वो क्या बता रही है सुंदर खटक से उनकी बात खराब हो गई है और अब वो साथ नहीं है, और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपने अपना ओपिनियन होता है चीज के बारे में। आए आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं, आप में से जो लोग अब ट्वीट करके आना चाहते हैं
बिल्कुल वो आ सकते हैं। और अब देखते जी ट्विटर पे क्या सीन चल रहा है। ट्विटर पे बड़ा एक ग्रुप था, उसने बड़ा हरामीपन करने की कोशिश की है, ने बड़ा हरामीपन करने की कोशिश की है जी, हमें पता है, हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या बोल रहे जी, जलेबी के चौदे समोसे के लोड़े उड़े उड़े, अल्लाह। तो ये इस तरह की बहुत सारी और चीजें भी है, ट्वीट आप करते जाए जी, जितने भी लोग देख रहे हैं। हमारे शो का मकसद है कि भाई देखें, हर शो फैमिली शो होता है, ये शो फैमिली शो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है, वकार यू आर डैम गुड विद दोस फिंगर्स फ्रॉम वेयर यू लर्न दैट। अच्छा ये तुम अपनी कम्युनिटी, ये ईमेल आ चुकी है मेरे पास कि ये कौन लड़का है, मैं इस लड़के की आईडी भी आपको दिखाता हूँ जिसने हरामीपन ये सोचा था हमारे लिए। किधर गया, हाँ ये रहा, ये रहा, ये कौन है जी, मैं दिखा। गर्लफ्रेंड होती, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेंगी वकार ज़का, लॉकडाउन के बाद जॉब दिलवा दो बस, वॉचिंग हेडफोन शो विद वकार ज़का। आहा ये बॉय को चक्कर ले बेटा, ये जो तूने इतने दिल बनाए हुए हैं आसपास, ये जो तू पुरानी फिल्मों वीसीआर के जमाने की फिल्म का वो बना हुआ है, ये कौन है जी? तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इनके है सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, झुका कर नजर को गुजर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए जी। इस तरह आप में भी अगर कोई टैलेंट है तो बिल्कुल आप आए और बिल्कुल आकर आप बात कर सकते हैं। अभी हम बहुत एक और गेस्ट को यहाँ लेने वाले थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में बहुत आपको मजा आने वाला है। ट्रांसमिशन शेयर करते जाएं, आज 10,000 के 10K तक पहुंचाने, 10,000 के 10K तक पहुंचा दें। जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करते जाएं, दो बहुत ही अहम लोगों को मैं भी लाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है जी। और अभी जी एक जी आ गए आप, आवाज सही है जी? जी अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, सॉरी आवाज नहीं आ रही। यस अभी आपकी दोस्त भी आ गई है मेरे पास। आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। सुंदल खटक और हरीम शाह हमारे साथ आसपास, आप दोनों की दोस्ती को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बता रही आपकी खत्म हो गई, अब उनके पप्पा ने मना कर दिया आपसे मिलने से। क्या हुआ ऐसा आपस में, ये क्या हुआ रविश, आपस में क्या ऐसा हो गया दोनों को? आपस में कुछ नहीं हुआ, आपस में ना हमारी लड़ाई हुई, ना इख्तलाफात हुए, ना झगड़ा हुआ, आपस में कुछ नहीं हुआ। आपस में कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई झड़ाई कुछ भी नहीं हुआ आपस में। या हेलो बोलो, हाय हाय हेलो, ये कौन है? कह रही हू आर यू वकार? सुंदल हरीम के बारे में क्या कह रहे थे आप? किसके बारे में? ये कौन बैठा साथ, हरीम और कौन? हाँ हरीम के बारे में क्या कहना चाहती हो? क्या कहूँ मैं, सामने है आपको। क्या हुआ, क्या बताएं? गायब हो गए वो कार। हाँ मैंने कहा दोनों को साथ अकेले छोड़ देता हूँ। बताएं सुंदल क्या हुआ दोस्ती, अभी तुम कहाँ पर हो, सवात में हो कहाँ पे? नहीं नहीं दोस्ती नहीं खत्म हुई, दोस्ती वैसी ही है बस, अभी वो पता वायरस की वजह से घरों में है ना अपने अपने। अच्छा वरना तो बड़े साथ घूम रहे थे तुम लोग। बस आपने नजर लगा दिया। बस देख लें, मुझसे जो मिलता है उसको नजर लग जाती है, फिर वो अलग टूट जाते अलग हो जाते। अच्छा तो ये हरीम कह रही है कि उसके वालिद साहब ने मना किया आपसे मिलने से। अब हाँ ना, आपने संदल का इंटरव्यू भी तो सुना होगा जिसमें संदल ने कहे कि हरीम जो है तो मैंने तो नहीं सुना था, श्यामे नहीं सुना था, इन्होंने मुझे बताया था कि हरीम जो है उसके पहले से बहुत ज्यादा स्कैंडल थे, मतलब इस तरह थी, ये था वो था, फिर मेरे घर में किसी ने लिंक भेजा, अभी मैं दूसरा मोबाइल मेरा रखे, मैं अपने अब्बू के आपको देती हूँ।
है मेरे पास। मैं सुना तो मेरी बात सुनो, आपके बॉस स्कैंडल थे तो आपके पापा तो एक मिनट इंटरव्यू सुनो, ये तुम्हारे बारे में क्या कह रही है, मुझे यकीन नहीं आया कि ये मेरे बारे में इस तरह की कोई बात कर सकती है। तो मेरे घर से जब मुझे आया कहती है तुम्हारी दोस्त है ये, जब मैंने सुना, मतलब मैंने तब भी नहीं सुना, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि उसने कहा कि सब हरीम ने किया, ये किया, वो किया। तो जाहिर सी बात है इसकी नजर में मैं, अगर मैंने सब कुछ किया या मैं ऐसी थी, तो फिर इसने पब्लिकली जाके बोला सब कुछ। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, ये सब जानती है अच्छे से, और जो सब कुछ हुआ ये सब जानती लेकिन बहुत सारे फैंस जिन्होंने बोला खुश रखे, खुश रहे, आमीन आमीन। जी सुंदर, आपने कहा था कि जी हरीम जो है बड़े इनके चक्कर चले हुए हैं, वो इंटरव्यू अगर आप करके दिखा देता हूँ जिसमें आपने बोला कि यार इनके बड़े चक्कर पहले से चल रहे थे, बोला, और मैंने भी आपने इंटरव्यू सुने कि किसी इंटरव्यू में मैंने कोई अब्यूज नहीं किया, मैंने यही बोला कि मैं बात नहीं करना चाहती, जहाँ पे अल्लाह ताला उनको खुश रखे प्लीज मुझसे बात ना करें। मैंने हमेशा दूसरे को शट अप कॉल दिए कि प्लीज मुझसे बात नहीं करना, मेरे आगे नहीं, जो आपने पूछना उससे डायरेक्टली पूछे, लेकिन मुझसे आप तभी आप सामने आकर बेगो पे अपने दोस्त को लाकर उसने मुझे गालियां दी। ये आपकी पुरानी दोस्त है, आप भूल गई, ये मेरी दोस्त नहीं, ये पुरानी मेरी, अच्छा मेरी दोस्त, ये आपकी पुरानी दोस्त है। आप दोनों के आपस के लड़ाई झगड़े हैं, मैं किसी को गालियां नहीं देती, ना मुझे गालियां देने की आती है। अच्छा वकार, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सच है तो सच बताना चाहिए। वकार, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये संदल की, कितने साल पुरानी दोस्त है? हाँ हाँ बहुत पुरानी, ये संदल की पुरानी दोस्त है, संदल तो मेरी है, मेरा तो संदल से कोई क्लैश नहीं, आप दोनों की लड़ाई है आपस में निपटो। अच्छा मेरी कोई लड़ाई नहीं है वकार, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा संदल, संदल को भी बोल लेते, अच्छा ठीक है हरीम, संदल संदल को भी अपने बोलने का मौका दे, संदल 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 को भी बोलने का मौका दे। जी जी संदल बोले। नेहा बिंगो पे होती है और वो भी संदल की पुरानी दोस्त है, वो भी मेरी फ्रेंड नहीं थी, मैं नहीं जानती थी संदल की। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे फ्रेंड और मुझे पता है मेरी पुरानी दोस्त है, मुझे कॉल कर, एक मिनट, अच्छा तुम बोलो फिर, मैं पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास आई, वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा तुम उसके पास गई, तुम उसके पास गई, उसके घर में, घर पे आई है, मेरे तुम गई उसके घर में, मैंने कहा मैं घर में गई, मैं अभी नेहा को लाइव ले लूंगी, नेहा को वो व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, वो आपको सारी बात, कॉल नहीं, कॉल नहीं, सुनो हरीम, ये जो लिंक भेजा है ना मैंने तुम्हें, यही लिंक व्हाट्सएप पर उसको भेज दो, उसको भेज दो तो वो आ जाएगी इससे। अच्छा आप सुंदर को बोल लेते, मुझे लाइव पे लिया, उसमें हरीम भी, हरीम कहती तुमने मेरे पीछे बोला है, बंद कर दें से, वकार जक से बात मत करो, बंद कर दें। नहीं अभी ये लोग मुझे गलत साबित करने के लिए, हरीम जो है बुला रही है नेहा को, कहती है नेहा मेरी बात सुने वकार, नेहा मेरी दोस्त, एक मिनट मुझे पहले यार, नेहा मेरी दोस्त नहीं है, मेरा उस पे एक दफा सोशल मीडिया पे मेरी सिर्फ उसके साथ एक दफा गेम लगी है, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं बीगो पर, वहाँ पर वो आई है, हरीम का जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ उसका अफेयर था, उसने मुझे कॉल की, कहती है बस करो नहीं बातें, अमीर जब उसने बातें खोली है तो मैंने खोला, मैं इस चीज को नहीं, यहाँ पर पता है हरीम जो है ना बहुत आगे चली गई है, मैं उसके मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती यहाँ पर, क्योंकि मेरे घर वालों को इस चीज से टेंशन बनती है और हरीम किसी चीज से डरती नहीं, और रही बात कहती मेरे बाप का मसला ये है, तो उसके अबू ने तो उसको बहुत सारे लिंक पहले भी भेजे थे, अगर इस चीजों से ये डरती होती तो ये चीजें ये ना करती, और तुम नेहा की बात करती हो, मुझे वकार मुझे इजाजत नहीं है यहाँ पर बात करने की, आपने यहाँ पर बैठा मुझे परमिशन, मुझे परमिशन नहीं है, बहुत ऑलरेडी इसने मुझे बहुत जलील कर दिया, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर, अब तुमने पापा की बात की है, मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे से बात करूंगी, ठीक है तुम्हारे घर आऊंगी कल, ठीक है तुम्हारे पापा और तुम सामने आना, जो बात तुम नेहा की कर रही हो नेहा को भी वहाँ पर लाना, ठीक है वकार जका तो कोई चीज नहीं है, आप जो है नेहा को लेकर आना, ठीक है अभी मुझे बात करने दो, वो पूरा मीडिया सुन रहे हैं, बंद कर दो इस वीडियो को, छोड़ दो, आप देख रहे हो वकार जका, आपने उनको बोलने का मौका दिया, आपने उनको बोलने का मौका दिया, अभी मेरी बात, अच्छा वो चली गई हरीम चली गई, आपने हरीम को मौका दिया बोलने का, मेरी सुन आएगा ये बंदा, तुम लाइव चलने दो मेरी बात, नेहा नाम की जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो मेरे साथ ऑनलाइन वीगो पे गेम खेलती थी, ठीक है वो तो हमारी गेम, मैं उसको नहीं जानती, ऐसा ना लगे कि मैं आपको काट रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप अपनी बात उन्होंने पूरी की है, आप आराम से करें, ठीक है ताकि ये ना लगे कि फुप्पो फुप्पो बनी बनना, नेहा की बात सुंबल, यार रेटिंग क्लिक करें कोई परवाह नहीं तेरी इज्जत की, ठीक है याद रखना ये सोशल मीडिया है, यहां पे कोई रेटिंग नहीं है भाई, यहां पे कोई रेटिंग नहीं है, ये टीवी पे नहीं जा रहा शो, अच्छा चलो ठीक वकार भाई, ये टीवी आता नहीं बंद करो, मैं चलो ठीक है मुझे नहीं परमिशन है बोलने की, ठीक है अगर मैंने बोला तो ये यहां के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी,
मैं आपको ये दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ना ये टीवी का शो है, ना ये टीवी का शो है, ना ये स्पोर्ट्स, अभी आप इखलाक को कॉल करो ना ये। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। जी हरीम, जी क्या कहना चाहेंगी आप? नेट फारिग हो गया आपका? नेट नहीं चल रहा आपका सही जी। इसी तरह अब ये तो ऐसे ही बीच में एक फड्डा शुरू हो गया जी, कि दोनों का है, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही कहा कि दोनों को साथ लेते हैं और एकदम नेक्स्ट लेवल पे जो है चला गया। वो दो नंबर हो गए, वो एक नंबर हो गए। लड़कियां जब आपस में लड़ती हैं तो बड़ा एक नंबर दो नंबर का बड़ा चक्कर चल पड़ता है। ये वापस इनको भी बुलाते हैं, हरीम को और इनको, ताकि दोबारा इनसे बात कर सके। जी हरीम, आवाज आ रही है? मुझे बात करनी है। यस हाँ, आवाज आ रही है जी। जी बोले। हाँ अब बताइए, आप क्या बात कर रही थी? उन्होंने तो एंड में बोल दिया कि भाई इनके मैं कह रहा हूँ दोबारा आओ, आपका नहीं आ रहा, दोबारा आओ भाई, दोबारा आने आपको जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एकदम गर्मा गरी गर्मी इतनी हो रही थी। अभी तो रात को असल बकचोदा शो होना बाकी है, ये तो नॉर्मल से एक शो हम कर रहे थे और नॉर्मल में हरीम का भी मैसेज आ गया, सुंदल को भी आ गया और बहुत ज़्यादा जो है बात ऐसी होने लग गई कि जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ होने लगी, जिसमें अच्छा एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना लिया है जहां पर आप अपना सारा डेटा और हर चीज़ कोरोना से रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी तरह जो है अब हम एक और साहब को भी बुलाएंगे, एक मिनट इसको बुलाते हैं अभी और इनसे बोलते हैं कि ये भी आ जाए। किसको बुलाना चाहिए बताएं, आपके मनोरंजन के लिए है सब, सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। यहाँ पे जी और देखें, अगर कोई गाने वाला, कोई अच्छा बोलने वाला आ रहा हो तो बताते हैं। जी ये हमारे पास आ गई स्क्रीन, अब आपके ट्वीट देखते हैं जी कौन अच्छे ट्वीट कर रहा है। एक कोई ग्रुप है जिसने हरामीपन मचाया हुआ है पड़ा, और हैश हेडफोन हैश वकार जका करके, ये क्या है भाई? चलो तुसी जड़ा ना, ये क्या बोल रहे जी? हाँ जी बड़े तुसी बर्गर खांदे सो, पिज्जा खाने मैंने, चिकन टैकोज एंड फ्रिटा।